Hey, welcome back everyone. In this video, हम बात करने वाले हैं एक इंटीरियर डिजाइनर अच्छा होने के लिए आपको क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड होता है. आप बाय डिग्री इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हो, आप बाय डिप्लोमा बन सकते हो, आप कोर्सेज कर सकते हो, लेकिन जब तक आपके पास राइट स्किल सेट नहीं है, वो चीज़ें आपको आती नहीं है जो एक डिज़ाइनर को आनी चाहिए, तो उन सबका क्या फ़ायदा. हाँ, नाम के लिए चाहिए तो और बात है, काम के लिए वो अगर नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है उस सबका. तो जो स्किल्स हैं वो मैंने दो बेसिस पे डिवाइड कर रखी हैं. एक है कि अगर आप इंटर्नशिप के लेवल पे हो, बिगिनर लेवल पे हो, जस्ट आपने थोड़ा सा एक्युमुलेट किया नॉलेज को और आप बिगिनर लेवल पे एक जॉब करना चाहते हो, इंटर्नशिप करना चाहते हो, फर्स्ट पार्ट है. एंड सेकेंड पार्ट है जब आप एक जॉब कर चुके हो तो उसके बाद आपका क्या स्किल सेट होना चाहिए, या फिर अगर आप एक इंडिविजुअल लेवल पे अपनी कंपनी खोलना चाहते हो या फिर कहो तो अच्छी जॉब चाहते हो, तो आपका स्किल सेट कैसा होना चाहिए, ये सेकंड कैटेगरी है. तो फर्स्ट कैटेगरी की बात करें कि इंटर्नशिप से पहले आपको स्किल्स की ज़रूरत क्यों है. देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना स्किल्स के डायरेक्टली इंटर्नशिप पर जाते हैं और इंटर्नशिप में ही सब कुछ सीखते हैं. लेकिन दूसरे टाइप के लोग हैं, जो मेरे टाइप के लोग हैं, जिसके पास थोड़ा बहुत स्किल सेट होता है, उसके बाद जाके वो इंटर्नशिप करते हैं. तो इन दोनों में क्या फ़र्क है. उन लोगों के पास स्किल सेट नहीं है अगर, तो वो लोग बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाले हैं उन चीज़ों को ग्रास्प करने के लिए, और जिसके पास स्किल सेट है वो वाला टाइम स्किल्स को गेन करने में और इंटर्नशिप को गेन करने में, उसे सीखने में काफ़ी कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप डायरेक्ट इंटर्नशिप में गए. तो अगर आप एक बिगिनर लेवल पे हो, इंटर्नशिप में एंटर करना चाहते हो, तो स्किल्स क्या क्या चाहिए, फर्स्ट पॉइंट फॉर बात करते हैं हम. तो पहली स्किल जो चाहिए वो है स्पेस प्लानिंग. मेरे से लोग पूछते हैं कि मैं ना आर्ट में बहुत अच्छा हूँ, तो मैं क्या एक अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकता हूँ. अगर आप आर्ट में अच्छे हो तो आपका विजुअलाइजेशन अच्छा होगा, आप स्पेस को डिज़ाइन करने के बारे में ज़्यादा सोच सकते हो एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के लिए जिनके पास वो स्किल सेट नहीं है आर्ट होने का. क्यों? क्योंकि वो ड्रॉ कर करके देख सकते हैं. लेकिन जब तक आपको स्पेस प्लानिंग की नॉलेज नहीं है कि किस स्पेस में कैसा प्लान करना चाहिए, कहाँ पे फर्नीचर लेआउट होना चाहिए, कहाँ पे बेड होना चाहिए, कहाँ आपका सोफ़ा आना चाहिए, कहाँ पे किस टाइप से एक्सेंट वॉल बननी चाहिए, ऑल दीज थिंग्स जब तक आपको पता नहीं है, स्पेस प्लानिंग के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप कैसे डिज़ाइन करोगे. आप कितने भी अच्छे आर्टिस्ट हो, जब तक आपको ये नहीं पता कि बनाना क्या है तो आप कैसे बनाओगे. उसके बाद आपको मटेरियल्स की नॉलेज होनी चाहिए. जैसे कि एक एग्जांपल के साथ अगर मैं बताऊं, तो अगर आप एक टाइल्स का ढूंढ रहे हो या फिर फ्लोरिंग के बारे में कुछ ढूंढ रहे हो कि कहाँ पे कौन सी फ्लोरिंग लगाऊं, और आपने बाथरूम में मार्बल की फ्लोरिंग लगा दी, अगर आपको ये बात पता नहीं है कि मार्बल की फ्लोरिंग हम बाथरूम्स में नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि मार्बल पानी से ख़राब हो जाता है जल्दी, तो ये चीज़ अगर आपको पता नहीं है तो आपने क्लाइंट का तो कर दिया काम. तो अगर आपको ये सब चीज़ें पता होंगी तो बहुत अच्छा है. मटेरियल्स के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा आपको ब्रांड्स के बारे में पता होना चाहिए, सब चीज़ें पता होना चाहिए, कौन से ब्रांड की कितनी क्या कॉस्टिंग पड़ती है, लेकिन बिगिनर लेवल पे अगर आप अंदर जा रहे हो तो एटलीस्ट आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते. तो एक बेसिक लेवल होना चाहिए आपका. थर्ड कैटेगरी है कलर्स के बारे में. कलर्स के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको, पैटर्न्स ये सबको हल्का बहुत मैच करना आना चाहिए. सी, ये सब चीज़ें हम टाइम के साथ साथ अपने आप गेन करते जाते हैं. जैसे एक गाड़ी चलाना सीखते हैं हम, धीरे धीरे करके अच्छे से चलानी आ जाती है, तो वैसे ही हमारी ये स्किल्स हैं, धीरे धीरे करके डेवलप होती हैं. लेकिन एक बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है इन सब चीज़ों के बारे में, अदरवाइज़ कुछ आप ऐसा कर दोगे वो जो बिल्कुल ही बेकार लगे. नेक्स्ट स्किल सेट जो आपको चाहिए वो है सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज. सॉफ्टवेयर्स में आपको 3D बनाना आना चाहिए और 2D की भी नॉलेज होनी चाहिए. 2D ड्राइंग्स जो है वो यूज़ होती हैं लेबर को देने के लिए, जिनसे आप बनवाने वाले उनको देने के लिए कि ये कितना, इनमें सब में मार्किंग्स होती हैं कि कितनी लंबी है चीज़, कितनी चौड़ी है, कितनी उसकी हाइट है, ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल होती हैं. तो लेबर को ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है. लेकिन दूसरे हैंड पे हम बात करें कि क्लाइंट की, अब वो वर्किंग ड्राइंग्स जो होती हैं, 2D ड्राइंग्स होती हैं, वो लेबर को तो समझ में आ जाती हैं, लेकिन उससे उनको ये नहीं दिखाई देता कि हमारा डिज़ाइन बन कैसा रहा है जब तक वो बन नहीं जाता. तो एक क्लाइंट को जब आपने दिखाना है कि हम आपके रूम में ऐसा बनाने वाले हैं, तो उनको ये तो पता होना चाहिए ना कि ये अच्छा भी लग रहा है कि नहीं उनको. अब आप बना दो अपने हिसाब से बेस्ट, लेकिन क्लाइंट को कुछ अच्छा लगे ना हो तो वो बनने के बाद नहीं होना चाहिए ना, बनने से पहले पता होना चाहिए क्लाइंट को कि ये क्या बना रहे हैं. तो उसके लिए होते हैं 3D. 3D बनाते ही एक क्लाइंट को विजुलाइज हो जाएगा कि अच्छा मेरे रूम में ये कुछ ऐसा बनाने वाले हैं. तो 2D ड्राइंग्स और 3D ड्राइंग्स दोनों की नॉलेज आपको होनी ज़रूरी है अगर एक थोड़ा सा आप अच्छा स्किल सेट चाहते हो. तो लास्ट जो स्किल सेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लाइंट के लिए, वो है बजटिंग. जब तक आप अपने क्लाइंट को उनके बजट में डिज़ाइन नहीं बना के दोगे, उन सबका क्या फ़ायदा है. मान लो क्लाइंट का बजट है 10 लाख और आपने जो डिज़ाइन बनाया वो 15 लाख में बने, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो उसे अफोर्ड कर पाए. और अगर क्लाइंट का बजट है 20 लाख और आपने बना दिया 5 लाख वाला काम, तो वो भी सही नहीं है ना. जब तक आप उसके मैक्सिमम पोटेंशियल को रीच नहीं कर पाओगे क्लाइंट को, तब तक आपका मार्जिन कैसे बचेगा. मार्जिन भी तो आपका उतना ज़्यादा बचेगा जितना ज़्यादा क्लाइंट का
बजट है, तो उसके हिसाब से इन सब चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है ताकि क्लाइंट भी परेशान ना हो कि उनको भी ज़्यादा एक्सपेंसिव ना लगे और आपका भी मैक्सिमम आउटपुट आ पाए, दोनों को क्लब कर पाओ आप। तो इसके लिए बजटिंग की नॉलेज होना ज़रूरी है, यानी बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है कि अगर मैं इस कमरे में टाइल लगा रहा हूँ तो मेरी कितनी टाइल्स आने वाली है, उनका क्या कॉस्टिंग पड़ने वाली है, उनको बेसिक नॉलेज से निकालना आना चाहिए, काइंड ऑफ हल्का बहुत मैथमेटिक्स आना चाहिए। तो ये थी गाइस ऑल अबाउट जो बिगिनर लेवल पे आपको स्किल सेट्स चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं अगर आप जॉब कर चुके हो, उसके बाद आपका थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस बन चुका है उस फील्ड में और आप एक इंडिविजुअल लेवल पे अपना काम शुरू करना चाहते हो या फिर अच्छी लेवल की जॉब चाहते हो जहाँ पे आपको अच्छा पैकेज मिल सके, तो जो फर्स्ट स्किल सेट, तो पहली बात जो हमने बात करी कि अगर आप बिगिनर लेवल पे हो तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उन सब चीज़ों की एडवांस नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको ही सब कुछ हैंडल करना है। एंड जो सेकंड चीज़ है वो है साइट मैनेजमेंट। साइट मैनेजमेंट में क्या आता है, आपको लेबर से डील करना आना चाहिए, तब तक आपको ये पता होना चाहिए कि कोई मिस्टेक हो रही है तो उसको ठीक कैसे करना है, टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट कैसे करना है, ऑल दीज थिंग्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंडर आती है। तो ये स्किल सेट आपका अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट स्किल सेट जो चाहिए एक अच्छे इंटीरियर डिजाइनर को, वो है स्किल सेट ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपको कस्टमर से डील नहीं करना आता तो आप वो डील लोगे कैसे, अगर आपके पास कस्टमर आ भी गया, अगर आपको उसको रोकना ही नहीं आया, आपको बात ही नहीं करनी आई उससे कि कैसे उसको बताना है कि हम उन सब मार्केट से सबसे बढ़िया बना रहे हैं। बेशक वो इंसान जो आपसे घटिया डिज़ाइन बना रहा है, अगर उसके पास वो पावर है, कम्युनिकेशन अच्छा है, उसका कस्टमर डीलिंग अच्छी है, तो वो प्रोजेक्ट ले जाएगा आपकी जगह। तो अगर आपको ये नहीं आता, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको राइट कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, और आपको कस्टमर डील करना आना चाहिए। एंड जो लास्ट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी वो है ट्रेंड्स, जो मतलब आजकल जो चल रहा है वो सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप वो किसी 5 साल पहले डिज़ाइन वाले फंसे हुए हो, वही आपको रिपीट करते जा रहे हो। मार्केट जो है धीरे धीरे चेंज होती रहती है, डेली चेंज होती रहती है, डेली नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, तो आपको ऐसी एग्जीबिशंस में जाना चाहिए जहाँ पे प्रोडक्ट्स की डिस्प्ले होती है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आपको ट्रेंड्स के साथ चलना है, अगर आपको लोगों के साथ चलना है। लोग चाहते हैं कि अभी राइट नाउ जो चल रहा है वो हो, लेकिन उनको खुद को नहीं पता वो क्या है, तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि क्या चल रहा है। तो ये जो स्किल सेट है बहुत ज़रूरी है। तो ये था गाइस ऑल अबाउट स्किल्स रिक्वायर्ड टू बी अ गुड इंटीरियर डिज़ाइनर, बिगिनर एंड एडवांस दोनों ही। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।